हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जीएनएम परीक्षा परिणाम पर रोक लग गई है। ये एमपी नर्सिंग काउंसिलिंग ने जारी किया आदेश। एनएसयूआई ने कहा, छात्रों का भविष्य अंधकार में। तो चलिए देखते हैं ये पूरा मैटर क्या है। पहले उससे पहले ये वीडियो देख लेते हैं, एक छोटा सा पहले क्लिप। मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने जेएनएम पाठ्यक्रम के प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा परिणाम पर रोक लगा दी है, जिसके बाद एनएसयूआई ने कई सवाल उठाते हुए छात्रों के भविष्य को अंधकार में बताया है। में नर्सिंग फर्जीवाड़े की वजह से लाखों छात्र छात्रा का भविष्य अंधकार में हो चुका है। मध्य प्रदेश में पिछले 3 सालों से नर्सिंग के छात्र छात्राओं की परीक्षा नहीं हुई है। एक और जिस ओर मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, जिसमें हाईकोर्ट ने नर्सिंग फर्जीवाड़े की जांच करने के आदेश सीबीआई को दिए हैं और अब इसमें सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन मध्य प्रदेश की नर्सिंग काउंसिल ने प्रथम और द्वितीय वर्ष की नर्सिंग की परीक्षा आयोजित करवाई थी, जिस परीक्षा का परिणाम आज स्थगित कर दिया गया है कि आगामी आदेश तक परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से जिन लाखों छात्र छात्राओं ने परीक्षाएं दी थी आज उनके परीक्षा परिणाम पर रोक लग चुकी है। लेकिन इस फर्जीवाड़े में खास बात यह है कि अभी तक किसी भी बड़े अधिकारी जिनने मान्यता दी थी, जिन्होंने निरीक्षण किया था नर्सिंग कॉलेजों का, उन फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने वाले और निरीक्षण करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है हाईकोर्ट द्वारा। बता दें कि नर्सिंग काउंसिल ने आदेश 21 जून को जारी किया है। मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने जीएनएम पाठ्यक्रम की प्रथम व द्वितीय वर्ष परीक्षा जो 18 मई 2023 को हुई थी, उसके परिणाम पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। इसके आगामी आदेश तक परीक्षा परिणाम स्थगित किए गए हैं। 19 मई को नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग ने यह आदेश में कहा था, जिन कॉलेज की मान्यता समाप्त होगी उनके रिजल्ट कोर्ट के अधीन माने जाएंगे। 19 मई को नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग ने यह आदेश किया था कि जिन कॉलेजों की मान्यता समाप्त हो गई या होगी उनका रिजल्ट कोर्ट के अधीन माना जाएगा। अब अपने ही आदेश को नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग ने बदल कर जीएनएम की फर्स्ट और सेकेंड ईयर के रिजल्ट पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। नर्सिंग की परीक्षा के परिणाम रोकने पर एनएसयूआई मेडिकल विंग के संयोजक रवि परमार ने कहा कि लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में है। 3 साल से परीक्षा नहीं होने के कारण स्टूडेंट्स परेशान हैं, हम इसके विरोध करते हैं। यह परसों का है, 21 जून का। इसमें यह लिखा बताया गया है कि मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग द्वारा जीएनएम पाठ्यक्रम प्रथम व द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा जो 18 मई 2023 से 24 मई 2023 के मध्य संपन्न हुई है, उपरांत आयोजित परीक्षा परिणाम आगामी आदेश तक स्थगित किए जाते हैं। तो इसका जो परिणाम था, फर्स्ट और सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम हुए थे 18 और 24 मई के बीच में, तो उसके आयोजित परीक्षा परिणाम आगामी आदेश तक स्थगित किए जाते हैं। दोषियों पर अभी तक नहीं हुई है कार्रवाई। एनएसयूआई के संयोजक रवि परमार ने कहा कि प्रदेश में जहां 3 साल से नर्सिंग की परीक्षा नहीं हुई है, तो दूसरी तरफ यह मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। इस मामले में सीबीआई जांच चल रही है। इसमें अभी तक कोई भी बड़े अधिकारी जिन्होंने मान्यता दी थी और जिन्होंने निरीक्षण किया था उन पर भी कार्रवाई नहीं की गई है। हमारी मांग है कि दोषी अधिकारी और कर्मचारियों तुरंत कार्रवाई की जाए। वह छात्र जो परेशान हैं उनके भविष्य को लेकर कोई निर्णय जल्द ही लिया जाए, साथ ही उनकी परीक्षा करवाई जाए। तो यह तो आपको पता ही है कि एमपी में पहले से ही नर्सिंग के एग्ज़ाम्स बहुत लेट हो रहे हैं। नर्सिंग के क्या ही, आप बीएमएस के भी देखो या एमबीबीएस के देखो, सबके एग्ज़ाम्स लेट ही चल रहे हैं अभी तो। तो और आगे अपडेट्स जैसी कुछ आगे इस वीडियो पे अपडेट मिलता है नर्सिंग कॉलेज के रिलेटेड, तो आपको जल्दी पता चल जाएगा। तो इसके लिए आप इस चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में।